दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में आप यहां पर देख रहे हैं ये प्रॉब्लम आ रहा है यानी यूएमटी का कोई भी टूल ओपन करने पर चाहे वो मीडिया फायर हो या मीडिया टेक टूल हो या क्वालकॉम टूल हो किसी फायर टूल हो या अल्टीमेट मल्टी टूल हो इंटरनेशनल ठीक है कोई भी सेटअप ओपन करने पर ये एरर देता है। ठीक है आप देख रहे हैं फॉरबिडन एप्लीकेशन डिटेक्टेड प्लीज अनइंस्टॉल रिस्टार्ट पीसी। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम है इसे दूर करने के लिए आपको सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको यहां दिखा रहा हूं आप सामने देख रहे हैं ये जो सेटअप है ठीक है ये सेटअप आपको डाउनलोड करना है विम कैप ठीक है। इस सेटअप को आपको डाउनलोड करना है इस तरह से आप देख रहे हैं यहां पे। तो इस सेटअप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करना है आपको यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्लिक करना है ये डाउनलोड हो जाएगा। वर्जन आप देख रहे हैं ये वर्जन आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने तो ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको दिखाया सर आपको कैसे डाउनलोड करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिंक भी आप टाइप कर सकते हैं। और आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस सेटअप को आपको रन करना है इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में। तो चलिए इस सेटअप को हम यहां से इंस्टॉल कर देते हैं सर। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको इस सेटअप को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा ठीक है। चलिए हम कंट्रोल पैनल चलते हैं फिर से। कंट्रोल पैनल आ चुका है और यहां पे सेटअप इंस्टॉल है कंट्रोल पैनल में ठीक है। इसे हमें अब अनइंस्टॉल करना पड़ेगा ठीक है। पहले इंस्टॉल करना है फिर बाद में उसे अनइंस्टॉल करना है। चलिए यहां से हम अनइंस्टॉल कर देते हैं इसे। उसके बाद इस सब टूल को हम क्लोज करते हैं दोबारा टूल को हम ओपन करते हैं ठीक है। तो जैसा कि पहले हम कोई भी टूल ओपन करते थे ठीक है और कोई भी मोबाइल को बूट कराते थे वो एरर आता था फॉरबिडन एप्लीकेशन एरर का मैसेज आ रहा था ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टूल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया अब यहाँ पर जो है उस तरह का ऐसा कोई मैसेज नहीं है और अब ये ठीक हो चुका है ठीक है। अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम आता है और आप इस सेटअप को रन करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आप लास्ट में जो है अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाल के कंप्यूटर को स्कैन भी कर सकते हैं ठीक है। और सेटअप को अनइंस्टॉल करके दोबारा भी इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन ये सेटअप आप इंस्टॉल जरूर कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।